जय बोल, धन्यवाद आदरणीय राम सरोवर सर, आदरणीय हमारे भोला चाचा और हमारे आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय और हमारे इस राष्ट्रीय प्रगला गगरिया समाज संगठन भारत के समस्त कार्यकर्ता आदरणीय टेक राम सर, मुकेश सर, सोनू अगरिया जी एवं समस्त कार्यकर्ता एवं इस उमरिया जिले के जितने भी अगरिया बंधु हैं जो अपने समाज के लिए प्रेम भावना, समाज सेवा की भावना जो भी रखते हैं उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। माताओं बहनों का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, आज मुझे इस उमरिया जिले के मकरा ग्राम में आने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं अपने आप को धन्य समझता हूं कि आप लोग के बीच में आज मुझे आने का अवसर मिला है और मुझे दो शब्द कहने का मौका भी मिला है। ये जरा विचार करिए कि अगर इस सामाजिक संगठन का रिश्ता ना होता तो शायद मैं यहां नहीं होता। और मैं यहां क्यों आया हूं, क्योंकि इस समाज में जो भी थोड़ी बहुत समस्याएं हैं उसको हम सभी मिलकर चर्चा करें, बात करें और जहां जहां हमारे समाज में दिक्कतें आ रही है उसको हम सभी दूर करें। इस चीज के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। आदरणीय मित्रों, सबसे पहले तो हमको अपने समाज में सभ्यता लानी है, संस्कार लाने हैं। हर माँ बाप अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा और बेहतर संस्कार देने का प्रयास करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो 60% असफल हो जाता है और 40% ही रह जाता है। ये हमारे वंशानुगत पीढ़ी का कमाल है जो हमारे बच्चों में वो संस्कार नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पहले से बहुत सारी चीजें क्या है वो आता जाता है। तो कम से कम आज इस पीढ़ी को अपने आप में इतना बेहतर बनाइए कि आने वाली पीढ़ी बेहतर हो सके। आज ये जो समाज सेवा का जो ये आप वृक्ष लगा रहे हैं, आज ये समाज की सेवा के लिए आप लोग कार्य कर रहे हैं, यहाँ एकत्रित हुए हैं, यहाँ आप सुन रहे हैं, वो एक आगे चलके वृक्ष बनेगा और फल देगा जिसका फल हमारे बच्चे खाएंगे। आज आप अपने लिए कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी, आपके बच्चे बेहतर होंगे, ये मेरा दावा है। आप मान लीजिए इस बात को। आज इस राष्ट्रीय लौह तगलक अगरिया समाज महासंघ भारत में मैं संचालक एवं सचिव का दायित्व निर्वहन कर रहा हूं। हमारा ये जो संघ है प्रतिमा शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग करता है। हमने पूरे लॉकडाउन में जहां कहीं आने जाने का समय नहीं मिला, कहीं आने जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, उस बीच में हम लोगों ने पूरा गर्मी हमने समाज को संगठित किया, फोन से किया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमने मीटिंग किया और जाके आज आपके इस महासंघ के साथ पूरे मध्य प्रदेश के और आधे छत्तीसगढ़ से जुड़ चुके हैं। ये जो समाज सेवा का ये पुनीत कार्य है ये सभी को नसीब नहीं होता है, ये मान लीजिए। आज जितने भी हमारे महापुरुष हैं, आज जिनकी फोटो पर हम माला लगाते हैं, वो कहीं ना कहीं समाज सेवा में अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, तब जाके आज वो इतने पूज्य हैं। मित्रों, हम हर जिले को जिले वाइज अपने संगठन के साथ जोड़ते जा रहे हैं, धीरे 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 करके हम संगठन का विस्तार करते जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं विस्तार? क्योंकि जब विस्तार होगा तभी तो हमारी बात, जो हम लोग चाह रहे हैं, जो हमारे संगठन का उद्देश्य है, जो हमारे संगठन का मकसद है, वो पहुंच पाएगा। हमारा उद्देश्य मकसद पूरे भारत के अगरिया बंधुओं को एक मंच पर लाना है। आज ऐसा नहीं है कि समाज सेवा का कार्य आज ही से स्टार्ट हुआ है या दो महीने या एक साल से स्टार्ट हुआ है। खंड खंड में लोग, कहीं शहडोल में, कहीं उमरिया में, कहीं बालाघाट में, कहीं छत्तीसगढ़ के कोरबा में, कहीं झारखंड में, छोटे छोटे स्तर पर बढ़कर लोग कार्य कर रहे थे, लेकिन हमने अपने समाज में वो चीज नहीं ला पाया जिस चीज की हमको आवश्यकता है।
कहीं ना कहीं हमें वो रिजल्ट वो परिणाम नहीं मिल पाया जिसकी हमको तलाश है, जिसकी हमको जरूरत है। हमारे समाज में शिक्षा आज भी कम है, हमारे समाज में धूम्रपान आज भी बरकरार है, हमारे समाज में कुरीतियां आज भी बरकरार है। लेकिन अब ये संगठन इन सब चीजों को सही करने में, अपने समाज को सही बनाने में बिल्कुल फौसली कार्य कर रहा है। हम बिल्कुल इस बात का दावा करते हैं कि हम समाज को नशा मुक्त बनाने, समाज में शिक्षा लाने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे, अब सतत प्रयास करेंगे। और कहीं ना कहीं आज एक साल से डेढ़ साल के अंदर हमने देखा है समाज में बहुत कुछ सुधार आया है। तो समाज का जो संगठन होता है वो होता है समाज का, और समाज किससे बनता है? आप लोगों से सबसे बनता है समाज। तो समाज को एक संगठित करने के लिए सभी की भागीदारी बहुत अनिवार्य हो जाती है। तो हम लोगों ने क्या किया है कि हर जिले से जिलाध्यक्ष बनाया है, हर जिले से सचिव, उपाध्यक्ष, हमने जिला समिति का गठन किया है। आज हमारे बीच में आदरणीय बिंदावी से गंगाराम जी आए हुए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। हम इस समाज को विकसित समाज बनाने के लिए हमने इतना कठिन परिश्रम, कठिन मेहनत और लगातार प्रयास करते ही जा रहे हैं। हमने कहा है कि प्रत्येक जिला के जिलाध्यक्ष जितने भी हैं, खंड खंड में हर ब्लॉक में ब्लॉक अध्यक्ष का गठन करें। उन्होंने ब्लॉक अध्यक्ष का गठन किया है। ब्लॉक अध्यक्ष का गठन करने के बाद अपने गांव गांव में जाकर दो चार दस दस लोगों को बैठाकर सामाजिक बैठक करी। अब हमारा ये राष्ट्रीय समाज संगठन हर जिला में जा जाकर के महासम्मेलन करेगा और वहां के जिला स्तरीय मीटिंग होगी और वहां के लोगों को जगाएंगे हम। अब एक अच्छे बेहतर स्थिति में उठने के लिए हमारा समाज तैयार है। इस संबंध में हमने पहला मीटिंग ग्राम कुरेली में जिला डिंडौरी में हमने रखा हुआ था। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने समाज के लिए भरपूर प्रयास कीजिए, भरपूर मेहनत कीजिए। जहां भी सहयोग की आवश्यकता होगी पूरा भारत आपके साथ खड़ा हुआ है। हमारे अंदर समाज सेवा की भावना कूट कूट की भरी है और हम वही चीज लोगों में जागृत करना चाहते हैं कि कम से कम अपने समाज के प्रति प्रेम जागे, देख सके लोग कि हमारा समाज कहाँ है और हम किस स्तर पर है। मित्रों, मैं ये कहना चाहूंगा, आज हमारा अगरिया समाज संगठन भारत के कोने कोने में पहुंच रहा है। आज हमने 7 राज्यों तक उसको पहुंचा दिया है। आज हम समाज में शिक्षा लाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे समाज में शिक्षा की इतनी ज्यादा कमी आ रही है कि हम अपने बच्चों को सही तरीके से शिक्षित कर पाने में असफल हैं। हमारे घर में हमारी माताएं बहने, हमारे भाई बंधु ऐसे होते हैं जैसे घर में काम है तो बच्चों को कहते हैं तुम आज स्कूल मत जाओ। तो ऐसा नहीं करना है, समाज के लिए रोक नहीं लगाना है। हम भले ही नमक और रोटी खाएं लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार प्रदान करें। अब बात आ जाती है शिक्षा के साथ साथ संस्कार की, तो ये कहां से मिलेगा? अब देखिए, अपने बच्चों के पास आप शराब पीकर उल्टे सीधा बात करेंगे आपस में पति पत्नी, तो बच्चे पर तो असर जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। क्योंकि आधा चीज तो बच्चा माँ के पेट से ही सीख लेता है। आपने महाभारत देखा है, अभिमन्यु की बात आप सुन जानते हैं। आधा बात तो बच्चा माँ के पेट से सीख लेता है और बाकी चीजें जो होती है वो आपके सामने ही सीखता है। इसलिए सबसे पहले आप पीने खाने के लिए किसी को मना नहीं है, लेकिन पीने के बाद आप आराम कर सकते हैं। ऐसी अनावश्यक बातें करेंगे तो बच्चों में बुरा असर जाता है और वही चीजें हमको देखने को सामाजिक लोगों के बीच में मिलता है। ऐसी चीजें लोग सम्मान नहीं करते हैं एक दूसरे का, ये बहुत बेकार चीज है। तो सबसे पहले समाज में शिक्षा और संस्कार को लाना होगा हमको। हमारा संगठन इसके लिए सतत प्रयास कर रहा है। नंबर 2, नशा मुक्त बनाना समाज को। हमारे इस संगठन का उद्देश्य और मकसद ही है समाज को नशा मुक्त बनाना। मैं आदरणीय मित्रों आपको मैं अच्छे से बता देना चाहूंगा, कोई भी व्यक्ति समाज में शराब पीकर बैठ तो सकता है लेकिन बोल नहीं सकता है। इसको हर जिला में लागू किया जाएगा। जहां जहां भी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता होंगे और पहुंचेंगे, अगर कोई भी ऐसे व्यक्ति होते हैं तो उनको सख्ती से कड़ाई के साथ समाज से बाहर किया जाए।
मैं भी ज्यादा दूर का नहीं हूँ, मैं भी आपके कुटमा में ही निवास करता हूँ, बेढ़ा प्यारी मेरा ग्राम है। पेशे से शिक्षक हूँ मैं, कुटमा से 5 किलोमीटर एक गवर्नमेंट स्कूल है, वहां मैं टीचर हूँ। मैंने 1.5 साल से इस संगठन से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने देखा कि किस तरीके की समस्याओं से हमारा समाज जूझ रहा है। इस बात का बहुत ही खेद और बहुत ही दुख है, हमको अपने आप में शर्म होता है कि हम अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कर पा रहे हैं। इसको अंदर से आपको अंदर से निकालना होगा, इस चीज को अपने अंदर से सोचना होगा, केवल बात करने से या हाँ कहने से नहीं होता है। इसलिए बच्चों को पढ़ाइए, नशा मुक्त। हम शराब पीते हैं, 200 रुपए जाते हैं रोजी कमाने और शाम को आते हैं 70 रुपए का हम शराब पी लेते हैं, बचता है हमारे पास कितना, 130 रुपए। 130 रुपए में हम घर का राशन ले आते हैं, तो बच्चों के पढ़ाई फीस पूंजी गाइड इसके लिए हम क्या बचा पाएंगे बच्चों के लिए। फिर लास्ट में ये आ जाता है कि झेपड़ बहुत पड़ ली है, जब मैं करा था तहूं करिए। अब ये कौन सी बात आ गई बताइए, इसके लिए हम ही दोषी हैं, हमारे माँ बाप यानी हम, मैं भी एक पिता हूं इसलिए कह रहा हूं। इसलिए आप नमक रोटी खाएं लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, अवश्य पढ़ाएं। बचपन से बच्चों में वो चीज लाइए जिससे बच्चे आपको सुने कि हाँ मेरे पापा ने इतना मेहनत किया है और मेरे को हमेशा पढ़ने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया है, तो क्यों ना मैं पढ़ाई करूं। बच्चों के अंदर भी आएगा वो चीज, अगर हम बच्चों को अच्छी चीज सिखाएंगे तो वो चीज आएगा। तो ये हुई बात समाज को नशा मुक्त, नशा मुक्त आप हम सब मिलकर मनाएंगे। अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का सम्मेलन या मीटिंग या कार्यक्रम लगा हुआ है, दसवात हो, छठी, बरहो, शादी ब्याह, कोई भी कार्यक्रम होता है, आप उसको उठा के फौरन वहां से बाहर कर दीजिए, बोलिए जाइए, भले ही आपके घर का ही सदस्य क्यों ना हो, क्योंकि वहां आपकी माँ बहने और आपके बच्चे भी रहते हैं, वो उन सारी गतिविधियों को देखते हैं। हमने इसकी शुरुआत कर ली है, हमने कई जगह अभी जहां जहां भी हम गए हैं ऐसे कार्यक्रमों में, हमने तत्काल फटाक से बीच में हमने टोका है, उनको बाहर किया है, भले ही आप हमसे नाराज हो जाएंगे। देखिए हम सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, रिश्ता निकालेंगे ना, अगर यह जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इस चीज को मान लीजिए आप। ऐसा नहीं कि मैं कोतमा से हूं तो मैं आपसे संबंध नहीं रखता, या राम सरोवर जी से संबंध नहीं है, या भोला जी से संबंध नहीं है, एक दूसरे से हम सब कहीं ना कहीं अवश्य जुड़े हुए हैं अगर हम रिश्ता निकालेंगे तो। इसलिए हम सबको अपने भाई बंधुओं का सपोर्ट कर रहे हैं। बात यहां आती है कि हमको सीखने के लिए कोई उम्र किसी की नहीं होती है, और जो व्यक्ति सीखना ही नहीं चाहता है, अपने अकड़ में रहता है कि अगर यार ये तल का लड़का हमको क्या बताएगा, तो फिर तो हो गया काम। बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए, तो हम एक चींटी से सीख सकते हैं, एक बच्चे से सीख सकते हैं। हम सिगरेट पी रहे हैं, बच्चा टीवी में देखता है कि सिगरेट से नुकसान होता है, फेफड़ा खराब होता है, तो आपकी बच्ची या बच्चा आपको टोक सकता है, पापा सिगरेट मत पियो, फेफड़ा खराब होता है। तो बच्ची ने अच्छी बात बोली ना, तो हम उससे सीख सकते हैं, हम जानते हैं लेकिन हम उसको कर रहे हैं। तो मित्रों सीखने के लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं लगता, और न सिखाने के लिए लगता है, इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अच्छी बातों को अपनानी पड़ेगी, और हमको अपने समाज में शिक्षा को बढ़ावा देना ही है, समाज को नशा मुक्त बनाना ही है। ये 100% इस पर आप बिल्कुल अमल करें और बिल्कुल विचार करें इस पर। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूं। हमारा समाज शिक्षा के नाम में सहायता प्रदान करता है, हमारे सभी आदरणीय जो कार्यकर्ता है, आपकी उमरिया जिले से ही लोग हैं जो उस थोड़ा थोड़ा करके 100-200-500 करके वहां संगठन में देते हैं, फिर हम उसको वहां देते हैं, हमने दिया हुआ। नंबर दो, अगर किसी कोई भी व्यक्ति हमारे संगठन से जुड़ा हुआ है और किसी के घर में दुर्घटना हो गया, एक चूल्हे से खाना खाने वाले होने चाहिए, अगर कोई किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो ये संगठन हमको मदद करता है, सहयोग करता है। जैसे दसगात्र में जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा कलेक्शन करके तो देते ही हैं, लेकिन ऊपर से भी राष्ट्रीय स्तर के संगठन से भी अलग से राशि हमारे उस दुखिया के खाते में आता है जिसके घर में इस तरीके का समस्या और तकलीफ हुआ है। तो बताइए इतना सब कुछ ये संगठन अपने समाज को विकसित करने के लिए
सतत प्रयास कर रहा है, लगातार मेहनत कर रहा है, तब क्यों आप लोग यानी हमारे अगरिया बंधु पूरे भारत के जो मुझे सुन रहे हैं, क्यों समझने को तैयार नहीं हो रहे हैं कि अगरिया समाज में शिक्षा और समाज को नशा मुक्त बनाएं हर तरीके से। आज कुछ ऐसी भी समस्याएं आई हैं, मैंने देखा है कई जगह, बताना चाहूंगा कि अगरिया तो है पर वो हमारे टाइप की अगरिया नहीं है, ऐसे ऐसी बातें आती है। मित्रों, अगरिया जो है ना लोहा बनाता था पहले, आप लोग जानते हैं पत्थर से लोहा पिघलाता था, इसीलिए हमने लाओ प्रगलक नाम रखा है इसका, लोहा पिघलाने वाला। कोई दूसरे समाज का व्यक्ति आपके साथ क्यों जुड़ेगा भाई? आप दूसरे समाज में जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते ना। तो बात वही है, भले ही आज आप गोत्रावली उठा लें, उसमें बहुत सारे अगरिया के गोत्र हैं जिसमें हम लोगों को पता ही नहीं है कि ये भी अगरिया है। जब हम सुनते हैं तो हमको लगता है यार ये भी अगरिया है क्या, हम भी दंग रह जाते हैं, लेकिन नहीं, एक्चुअल में वो अगरिया है। कहीं कहीं देखिए पूरे छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में अगरिया खंड खंड में बटे हुए हैं। कुछ क्या है, बहुत लोग तो अपने दूसरे काम में बिजी, कार्य करने की वजह से, लोहे का कार्य ना करने की वजह से बहुत लोग को अगरिया लिखने में शर्म आता है। फिर बाद में पता चलता कि यार ये तो मेरा भाई है, वहां मेरे घर से 10 किलोमीटर के दूर में है, ये तो वही है, अगरिया ही है। मतलब आपने अपने समाज को छुपा लिया। अब जब आप अपने समाज के नाम को छुपाएंगे तो गवर्नमेंट आपको कैसे पहचानेगा कि इस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में और इस भारत में अगरिया हैं? आपके लिए कैसे योजना तैयार करेगा? फिर कहते हैं आप हमारे लिए तो कोई योजना ही नहीं है। तो पहली बात, आप अपने नाम को सामने रखिए। पहली बात, अगरिया कहने में शर्माइए मत। हमने एक नारा निकाला है, गर्व से कहो हम अगरिया हैं। हमारे व्हाट्सएप का नंबर जिसके पास सेव होगा, हमारा फोटो टच करके देखिएगा, हमने स्पष्ट लिखा है दशरथ प्रसाद अगरिया, और हमने वहां लिखा हुआ है गर्व से कहो हम अगरिया हैं। आपको अपने समाज के लिए गौरवान्वित होना चाहिए। कोई भी पूछे धड़ाके से बताओ भाई मैं अगरिया हूँ। अगरिया जानते हो ना कौन? लोहा बनाने वाला। सबसे पहले आप लोग वैज्ञानिक हैं, आपको पता होना चाहिए, शर्म नहीं गर्व होना चाहिए, आप लोग वैज्ञानिक हैं। आपके समाज ने, इस समुदाय को, इस पूरे दुनिया को सबसे पहले लोहा से परिचित कराया। लोहा बनाने वाला कौन? अगरिया। इसीलिए मैं कहता हूं छोटे छोटे मीटिंग करिए, आपस में चर्चा करिए, अपने आप को संगठित करिए, खंड में बट के काम मत करिए। खंड खंड में बट के काम करने से कोई अर्थ नहीं है। और देखने में ऐसा मिलता है कि कई साथी हमारे अपना अपना झोरा रख के घूम रहे हैं, जैसे डॉक्टर घूमते हैं कि हाँ भाई मेरे पास भी पंजीयन है, ये मेरा फार्म है, इसको भर लो। तो प्लीज आप, ये महान संघ है, आप यहां जुड़िए आके, यही समाज का बिल्कुल असली विकास होने वाला है। तो हमने सोचा यार व्हाट्सएप में तो 256 लोग ही एक ग्रुप में जुड़ पाते हैं, क्या किया जाए। तो हमने एक कुटुंब ऐप तैयार करवाया है, कुटुंब ऐप। और उस ऐप के लिंक को डाउनलोड करके किसी से भी लेके आप उसमें जुड़ जाइए। उसको, उस ऐप में हम पूरे भारत के लोगों को संगठित करेंगे, पूरे भारत के लोग को। इससे बेहद खुशी की बात क्या हो सकती है? मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये समाज में शिक्षा, दसगात्र में सहयोग, ये मीटिंग जो होता है उसका खर्चा, इसके लिए हमने एक और योजना निकाला है कि भाई देखिए, हम हर जिले में तो सम्मेलन करते हैं, दसगात्र में सहयोग करते हैं, तो इसके लिए क्या करें, छोटा छोटा प्रत्येक जिले से 500 की राशि, हमने जिला अध्यक्ष को बोला हुआ है कि जितने भी जिला अध्यक्ष महोदय हर माह अपने जिले से 500 की राशि कलेक्शन करके इस संगठन तक पहुंचा दें, जिससे वो पैसा संगठन में बना रहेगा। और जिसके यहाँ भी हमारे सामाजिक बंधु के यहाँ कोई भी घटना या कोई कार्यक्रम या शिक्षा के लिए सहयोग, किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है, तो हम उसी पैसे को उठाकर उनको देंगे। तो बहुत सारे जिलों से आता है, बहुत सारे जिलों से नहीं आता है। अब देखिए, हर योजना को लॉन्च करने का कोई ना कोई मकसद होता है। इसका मकसद बस ये नहीं है कि हमको सहयोग देना है इसलिए हम इस योजना को लाए हैं। इसको हम इसलिए लाए हैं कि जो जिला अध्यक्ष हम जिनको बनाए हैं, वो एक बार दे सकता है 500, दो बार दे सकता है 500, तीन बार दे सकता है, लेकिन
जब तक वो जिला अध्यक्ष है क्या तब तक दे पाएंगे? नहीं, तो क्या करेंगे? फिर उनकी मजबूरी हो जाएगी ना आप तक पहुंचना, आप तो चर्चा करेंगे ना फिर वो, तो ये संगठन का प्रचार प्रसार हो, लोग जुड़े इस संगठन के साथ, इसके महत्व को समझें। इसलिए हमने इस 500 की राशि को हमने लॉन्च किया है प्रत्येक जिले से कि आज हमारा संघ जो है कुछ जिला में से दो ही लोग जानते हैं यहाँ, भाई मैं जिला अध्यक्ष हूँ और मैं उपाध्यक्ष हूँ तो मैं ही बस जानता हूँ। तो इस योजना से क्या है, हम सभी तक पहुंचेंगे, हाँ भाई हमारा संघ ऐसा ऐसा काम कर रहा है, तो चलिए सब लोग 10-10 रुपए का सहयोग करते हैं, यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, उमरिया जिला में 4 ब्लॉक हैं या 5 ब्लॉक जितने भी हैं, सभी जगह से चलिए इतने इतना कलेक्शन कर लेते हैं, हमको 500 देना है, मान लीजिए 2000 कलेक्शन हो गया पूरे ब्लॉक से महीना भर में, तो 500 उधर दे दें, 1500 रुपया हम अपने जिले में रख लेंगे, जिला सचिव के खाते में रहेगा, वो आपके संगठन के खाते में रहेगा। फिर जब आपके उमरिया जिले में कोई कार्यक्रम होगा, मीटिंग होगा, तो उसी पैसे का उपयोग आप खर्च में करें, पर्सनल पर्टिकुलर कोई एक ना दे, किसी के कंधे पर वो बोझ ना पड़े। इसलिए हम लोगों ने इतना बेहतर योजना लॉन्च किया हुआ है। आप अपने जिला अध्यक्ष, आपके जिला उमरिया के होंगे, आप सभी जानते ही हैं श्री सूरजलाल मरावी जी, वो भी टीचर हैं पेशे से, उन्हें हमको हमने उनको अध्यक्ष का पद दिया हुआ है। आपके उमरिया जिला के सचिव विजय अगरिया जी हैं, ठीक है, उपाध्यक्ष श्री भोला अगरिया जी हैं, इस तरीके से और भी बहुत सारे पदाधिकारी आपके संगठन में मौजूद हैं, उनसे चर्चा करिए, उनका फोन नंबर ले लीजिए, हमारा फोन नंबर ले लीजिए, आप सभी हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। कोई भी चीजें अगर समझ में नहीं आती, आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय हैं, समाज में बहुत ही पुराने समाज सेवी हैं, बहुत सम्मान करता हूँ उनका मैं, आज मैं यकीन मानिए मैं आज यहाँ खड़ा हूँ और इतना 20 लाइक बोलने का जो मैं अपने आप में योग्यता लाया हूँ वो इन्हीं की देन है। मैं कुछ नहीं जानता था, प्रतमा में मैं हुआ, आप लोग आए हुए थे, मैंने आप लोगों को सुना और मुझे प्रेरणा मिला, सीखा मैं कि जब आप कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं क्यों अपने समाज को जागृत नहीं कर सकता। और आज आप ही लोग के आशीर्वाद से आज इस तरीके का इस समाज को इतना बड़ा मंच दे दिए हम लोग मिलकर कि ये पूरे भारत का महासंघ हो गया। और इसका उद्देश्य और मकसद ही है पूरे भारत के अगरिया बंधुओं को एक मंच पर लाना है, पूरे भारत के, पर्सनल पर्टिकुलर की हम बात नहीं करते हैं। और भी एक चीज बता देना चाहता हूं, हमारा इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ से हो, मध्य प्रदेश से हो, साथी ये कहना चाहूंगा मैं, हमारा ये अगरिया समाज संगठन है, इसके नाम में आप देखेंगे तो सबसे पहले राष्ट्रीय आता है और लास्ट में भारत, यानी आप इस नाम से स्पष्ट हो गया होगा कि ये राष्ट्रीय स्तर का संघ है, पूरे भारत के लिए है ये। तो आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए कि मैं पूरे भारत जो भी कार्य करूंगा पूरे भारत के लिए करूंगा, पर्टिकुलर किसी जिला या किसी राज्य के लिए नहीं करूंगा। हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं काम, हम अपने जिला के लिए नहीं कर रहे हैं काम, मैं अगरिया समाज के लिए काम कर रहा हूं। अगरिया समाज चाहे वो मध्य प्रदेश में हो या छत्तीसगढ़ में हो या झारखंड में हो या उत्तर प्रदेश में हो या बिहार में हो या कहीं भी हो भारत के कोने में, मैं अगरिया समाज के लिए काम कर रहा हूं और मुझे पूरे अगरिया समाज का उत्थान और विकास में सहयोग करना है, बस ये समझिए। कोई भी आप योजना लाइए, अपने दिमाग में कोई भी विचारधारा लाइए, तो ऐसा आप लाइए कि जो पूरे अगरिया समाज के हित में हो, सभी के लिए हो, पर्टिकुलर किसी एक जिला किसी एक राज्य के लिए ना हो। बहुत सारे साथी हमारे ऐसे हैं जो कहते हैं हम ऐसा कर लें हम वैसा कर लें, तो नहीं भाई, हम अपने आप में लीडर विकसित करेंगे। लीडर आज जिस तरीके से उमरिया जिले में है, शहडोल जिले में है, कोरबा जिले में है, कबीरधाम जिले में है, हर जिले में हर जगह में एक बेहतर कार्य हो रहा है, तो एक भारत के लिए भी तो हमको लीडर चाहिए ना, जो पूरे भारत को देख सके। अब पूरे भारत की ही बात करना है हमको, हमको किसी पर्टिकुलर जिला या राज्य के लिए बात नहीं करना है। तो मित्रों, आप अपने इस संगठन के साथ जुड़ें। अगर आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, जियो फोन है, तो भी जुड़ जाएं, व्हाट्सएप चलता है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर जियो फोन भी नहीं है
तो सिंपल फोन है, तब भी आप हर मीटिंग हर कार्यक्रम में पहुंचिए। आप लोग देख के सुन के वाकई में आपको बहुत ही गर्व महसूस होगा कि वाकई में मैं अगरिया हूँ। आप कह दोगे वहीं कि मैं अगरिया हूँ और मेरे समाज के लिए अच्छे अच्छे डॉक्टर इंजीनियर मास्टर पटवारी काम कर रहे हैं यार, और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। आप लोग को खुद ऐसा लगने लगेगा। तो इस समाज के विकास के लिए हम सबकी भागीदारी बहुत ही अनिवार्य है। कोई एक व्यक्ति समाज को आगे लेकर नहीं जा सकता, मैं पहले ही कह चुका हूँ। समाज का मतलब ही होता है चार लोग से ये समाज बनता है। इसीलिए भाई 2-2 हजार की पंजीयन हमने मांगा है तो क्यों मांगा है? क्या अकेले नहीं दे सकता कोई 5-6 हजार रुपए? दे सकता है, लेकिन भाई पता तो चले ये सामाजिक कार्य है। सब लोग मिलकर करेंगे तब ना हाँ कहेंगे कि हाँ यार आपने हमको पूछा। उमरिया वाले कहेंगे ना हाँ हमको पूछे, भाई सहडोल वाले कहेंगे हमको पूछे, कोरबा वाले कहेंगे हमको पूछे। जब सभी के सहभागिता होगी तो तब ना टीम वर्क होगा, और टीम वर्क से ही काम होगा, समाज का विकास होगा। तो मित्रों मैं निवेदन करना चाहूंगा सभी लोग मिलकर, आज यहाँ मेरा आने का मकसद यही है आप लोगों के साथ बातचीत करना। और तो हम नहीं चाहते कि कोई भी जिला पिछड़े। और मैं बता देता हूँ, मैं जैसे पहले ही कह चुका हूँ, मैं अगरिया समाज के लिए कार्य कर रहा हूँ, ना तो मैं मध्य प्रदेश के लिए कार्य कर रहा हूँ, ना मैं छत्तीसगढ़ के लिए कार्य कर रहा हूँ। और अगर इस संगठन के नेतृत्व में कोई भी एक जिला अगर सक्सेस हो जाता है या कोई एक राज्य सक्सेस हो जाता है तो मैं उतना ही धन्य समझूंगा अपने आप को। चाहे भले ही छत्तीसगढ़ सक्सेस हो जाए, झारखंड सक्सेस हो जाए या मध्य प्रदेश हो जाए, क्योंकि हम किसके लिए काम कर रहे हैं? अगर यह समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, हम किसी पर्टिकुलर राज्य या जिले के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हमारा समाज का विकास ही हमारा ध्येय है, हमारा लक्ष्य है कि हम अपने समाज का विकास करेंगे और करके ही रहेंगे। एकदम तय कर लेना है हमको। तो मित्रों इतनी बड़ी उपलब्धि आज अगर यह समाज संगठन भारत आप लोगों से कर रहा है। बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यकर्ता समाज सेवी आज आप लोगों के बीच में मौजूद हैं। तो इन सारी बातों को अमल करिए, जो चीजें आप लोगों को यहाँ बताई गई है, जो भी बताते रहते हैं। समाज में नशा मत करिए, समाज की माताओं बहनों और एक दूसरे छोटे बड़ों का इज्जत मान सम्मान, यही एक बेहतरीन बेहतर शिक्षा का एक यही क्वालिटी होता है, वो करिए। घर में शराब पीकर हल्ला गुल्ला मत करिए, व्यवधान उत्पन्न होता है, अभी जैसे कि बोला ना भैया ने। तो जब हम इन सारे चीजों को हम समाज में प्रतिबंधित कर देंगे, उसी दिन हमारा समाज एक सशक्त समाज होगा। तो मित्रों आज मैं इसीलिए यहाँ पर आज उपस्थित हुआ था कि मैं आप लोगों के साथ बात कर सकूं, जिससे कि मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। और मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे आप लोग के बीच में आने का अवसर मिला। तो इस तरीके से मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय अगरिया।